हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। साल 2018 बॉलीवुड के लिए शादियों का साल बन गया है। बॉलीवुड में कई स्टार्स ने शादी की है और कई इस साल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बॉलीवुड में इस साल बड़ी शादियों में अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर की शादी शामिल रही। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक और कपल की शादी सुर्खियों में है और वो कपल है रणबीर और दीपिका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रणबीर सिंह और दीपिका की शादी की तारीखें सामने आ गई हैं। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अफेयर की खबरें काफी लंबे समय से मीडिया में आ ही रही हैं। दीपिका पादुकोण और रणबीर की शादी तक बात पहुंची तो दीपिका और रणबीर अपने परिवार वालों का हाथ बटाते हुए नजर आए। जब मीडिया ने दीपिका और रणबीर से उनकी शादी की बात की तो उन्होंने कहा कि ये बस अफवाह है और कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई तो हमें कुछ और ही बयां कर रही है। खबरों की माने तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी 18 या 20 नवंबर के बीच हो सकती है। अगर खबरों की माने तो उनकी वेडिंग डेट 29 नवंबर है। खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों की शादी मुंबई में ही होगी। कुछ वक्त पहले ये भी खबरें आ रही थी कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह डेस्टिनेशन वेडिंग चाहते हैं, लेकिन रणवीर के पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी मुंबई में ही हो क्योंकि उनके ज्यादातर रिश्तेदार वहीं रहते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते कि डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से उनके रिश्तेदार शादी में शामिल ही ना हो पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।